27 सितंबर 2024 की रात को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर करीब 80 टन के बंकर रोधी बम गिराए, जिसमें हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे गए। और अब नसरल्लाह की मौत के बाद पूरा मिडिल ईस्ट इसराइल के बदले की आग में जल उठा है। लेबनान में एक तरफ जहां अफरा तफरी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का मनोबल कम नहीं हुआ है, बल्कि उसने भी इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल हिजबुल्ला ने इसराइल के ओफेक कैंप को फादी वन रॉकेट हमलों से दहला कर रख दिया। इस हमले के तुरंत बाद अल मनारा सेटलमेंट पर हिजबुल्ला के रॉकेट बरसने लगे। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने इसराइल के सार सेटलमेंट पर रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया, साथ ही सफाद शहर पर भी कई रॉकेट गिराए हैं। हिजबुल्ला साफेद तक नहीं रुका, बल्कि उसने रोशपिना सेटलमेंट पर रॉकेटों के जत्थे फायर किए। हिजबुल्ला के मुताबिक वो लेबनान की सुरक्षा और गाजा के समर्थन में अपने हमले जारी रखेगा। और यही वजह है कि हिजबुल्ला ने स्नोबार सेटलमेंट को रॉकेटों के एक जत्थे से जलाकर खाक कर दिया। वहीं रामिया साइट पर तो पहले हिजबुल्ला ने आईडीएफ की मूवमेंट पर नजर रखी और फिर उसने उसके ऊपर जमकर गोला बारूद बरसाया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका ये हमला सीधा और सटीक रहा। वहीं एलियाकिम कैंप पर तो हिजबुल्ला ने ड्रोन्स का पूरा झुंड ही दाग दिया, जो आईडीएफ के ठिकाने पर जा फटे। हिजबुल्ला की माने तो उसने शतुला सेटलमेंट पर भी कई रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा कफार चौबा हिल्स पर भी उसने जमकर बमबारी की है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने दादो मिलिट्री बेस और साफेद सैन्य चौकी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक लॉन्चर दिख रहा है, जिसमें दर्जनों रॉकेट भरे गए हैं और अचानक ये रॉकेट फायर होने लगते हैं। हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच इजरायली सेना अपने विकराल रूप में आ चुकी है। वो हर एक मिनट और हर एक सेकंड में लेबनान पर बमबारी कर रही है। इजरायल ने 29 सितंबर 2024 को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में जमकर बमबारी की और आईडीएफ के इन हमलों में करीब 105 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्ला के वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी शेख नबील काउक की भी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एन अल देलब के पास आईडीएफ के हमलों में दो रिहायशी इमारतें मिट्टी में मिल गई, जिसमें 32 लोग मारे गए। हालांकि इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया, जबकि लेबनान के अधिकारियों का आरोप है कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के बेका बालबेक हारमेल इलाकों में आम नागरिकों के घरों पर हमले किए। और इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया का दावा है कि बेरूत के बीचों बीच आईडीएफ ने कोला ब्रिज इलाके में हवाई हमले किए। बड़ी बात यह है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद आईडीएफ का ये पहला हमला है जो लेबनान के इतने भीतर और बीचों बीच हुआ। वहीं अब आईडीएफ उन इलाकों पर भी हमले कर रही है जो अभी तक सुरक्षित माने जा रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण बेरूत नगरपालिका पर आईडीएफ का हमला है, जो बेरूत में एक सुरक्षित शेल्टर माना जा रहा था, लेकिन अब ये इलाका भी आईडीएफ के हमलों की चपेट में आ चुका है।